भाजपा ने जारी की पदाधिकारियों की लिस्ट। बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है, जहां भाजपा ने अपने पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की है। चुनाव से पहले कील कांटे दुरुस्त करने में जुटी पार्टी। नए घोषित पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की गई सुभाषपा की तरफ से। बड़ी खबर यूपी से, चुनावी मोड में सुभाषपा। यूपी में सुभाषपा ने जारी की पदाधिकारियों की लिस्ट। चुनाव से पहले कील कांटे दुरुस्त करने में जुटी पार्टी। सुभाषपा ने पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी है। नए घोषित पदाधिकारियों की लिस्ट की गई जारी। चुनावी मोड में सुभाषपा। खबर यूपी में है, जहां सुभाषपा ने जारी की पदाधिकारियों की लिस्ट। चुनाव से पहले कील कांटे दुरुस्त करने में जुटी पार्टी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए तो सुभाषपा ने भी अपने नए पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी है। जी नंदनी, आपको बता दें कि जहां 2024 और निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे एक्टिव मोड में हैं, अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने अपने नए पदाधिकारियों की सूची जारी की है। इससे साफ तौर से अगर देखा जाए तो प्रदेश सलाहकार से लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर मंडल उपाध्यक्ष, जिला महासचिव और सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष जैसे तमाम पदों पर 26 लोगों की तैनाती की गई है। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो सुभाषपा है वो आने वाले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन के मंशा को लेकर अपने संगठन का विस्तार कर रही है। बात की जाए तो शिवराम कश्यप को प्रदेश सलाहकार बनाया गया है मध्यांचल प्रकोष्ठ का, यानी कि हर एक प्रकोष्ठ बांटा गया है उत्तर प्रदेश के अंदर में, चार भागों में बांट कर अलग अलग प्रकोष्ठों बनाए गए हैं। प्रकोष्ठों के अलग अलग लोगों को जिम्मा दिया गया है और इससे साफ है कि आने वाले चुनाव में सुहेलदेव समाज पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे, इसको लेकर संगठन विस्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि जिलाध्यक्ष से लेकर तमाम पदों पर आश्रित किया गया है, चाहे अयोध्या से लेकर, आजमगढ़ से लेकर और तमाम जगहों के पदाधिकारियों का इसमें नाम की घोषणा की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नए संगठन के बाद सुभाषपा अपने नए पदाधिकारियों के साथ क्या कीर्तिमान हासिल करती है और कितना इससे लाभ होता है आने वाले चुनाव में। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विमांशु। संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है, बेटी ने धारदार हथियार से पिता पर किया हमला। बड़ी खबर संभल से है, घायल पिता को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, गंभीर हालत में मुरादाबाद हायर सेंटर किया गया रेफर। खबर संभल से है, बेटी मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है। संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बेटी ने अपने पिता पर धारदार हथियार से हमला किया है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।